नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लौटे हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कंबल वाले चोर, नोएडा में पानी वाले लुटेरों का आतंक। दिल्ली एनसीआर में सर्द हवाओं का सितम, कोहरे की वजह से 13 ट्रेनों के परिचालन में देरी। दिल्ली में 150 रुपए चोरी होने पर डांटा था बेटे ने पिता को, चाकू से गोद डाला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए दिल्ली से केरल पहुंचे 50 पर्यटक, ऑस्ट्रेलिया ले जाने का अंदेशा। अब इंदौर की दर्ज पर गाजियाबाद नगर निगम चलाएगा स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज बोले, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हुआ तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। जीएसटी से केजरीवाल सरकार को बम्पर कमाई और मिले 22,189 करोड़ रुपए। शीला दीक्षित 3 सहयोगियों के साथ आज संभालेंगी दिल्ली कांग्रेस की कमान। 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट भेजना ऐतिहासिक भूल, पूर्व जज ने किया कॉलेजियम का विरोध। 10% आरक्षण के लिए इसी सत्र से 25% सीटों की बढ़ोतरी। दिल्ली के सरकारी अस्पताल की नई पहल, वार्ड में मरीज संग डांस कर रहे हैं डॉक्टर। एनसीआर में गैर बिके मकानों की संख्या 9% गिरी, प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म का दावा किया गया। केजरीवाल को एक और झटका लगा, आप विधायक बलदेव सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। मिशन 2019 में दिल्ली में जनता का भ्रम दूर करेगी बीजेपी। स्कूलों में केजरीवाल सरकार के वैक्सीनेशन कैंपेन पर एससी की रोक। दिल्ली में 258 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्रों में से सिर्फ 15 ही चल पाए। दिल्ली में माँ इंटरव्यू देने गई थी, 5 साल का बच्चा रोया तो प्रेमी ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। दिल्ली में जूस से नशीली दवा मिलाकर युवती के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। दिल्ली में यहाँ जाम से रोजाना बर्बाद होता है 5 लाख का ईंधन। बस टर्मिनल हो रहे मॉडर्न, आपको मिलेगा मेट्रो स्टेशन वाला लुक एंड फील। तो ये थी दिल्ली एनसीआर की 20 बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।